यजीद का जो सवाल था, क्या यजीद ने बराए रास्त इमाम अली मकाम को कत्ल करने का हुक्म उससे आया, उसी के दरबार से आया? मेरे पास तो तारीख के जो शवाहिद हैं उसमें ऐसा कोई सरी इबारत नहीं है कि किसी को उन्होंने मामूर किया हो, यजीद ने किसी को मामूर किया हो कि जाकर इमाम हुसैन आली मकाम रदी अल्लाह तआलान्हु को माज़ अल्लाह कत्ल कर दो। लेकिन कोई ये कहे कि बितायीन कत्ल हुसैन का हुक्म दिया था तो मेरे पास ऐसे कोई तारीखी शवाहिद नहीं है। क्या आला हजरत का यही अकीदा है यजीद के बारे में? अहमद बरेलवी साहब का, अहले सुन्नत के आइमा का यही अकीदा है? ये तो सऊदीया ईरान की टसल के बाद यजीद के तरफदार पैदा हुए हैं, पहले तो कोई नहीं रहा। ये कहां से आप उम्मत में अकीदा जो है वो प्रोपेगेट कर रहे हैं और आप हमदर्दियां कर रहे हैं आके उसके साथ? परवेज मुशरफ ने कत्ले आम किया लाल मस्जिद के अंदर, वीडियो हमने देखा ना। आप जुडिशरी में ये प्रूफ करें सबूत के साथ कि परवेज मुशरफ के नाम से एक ऑर्डर निकला हो, उस पर ओरिजिनल साइन भी उसके और उसने वो सब कुछ कराया हो, करवा सकते हैं? आज नहीं आप करवा सकते, उस दौर में। लेकिन क्राइम से सब कुछ पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है। एक वो अकीदा है जो बाबों का है और एक वो है जो किताबों का है, और किताबें भी ना समझिएगा वो बुजुर्ग शरीफ की लिखी हुई, बुखारी मुस्लिम। अहले सुन्नत उसी वक्त विन कर सकते हैं जब आले उमैया को कटहरे में ला के खड़ा करेंगे, अदरवाइज आपका सौदा कोई नहीं बिकना, ना आपकी वीडियोस की वजह से किसी रावजी ने हक का रास्ता इख्तियार करना है। वो आप लोगों पे हंसते हैं, यकीन करें, वो कहते हैं बेचारों को पता ही कुछ नहीं है, हकीकत बात है। मेरे से पहले तो सुनियों को गदीर खुम का नहीं पता था, हदीस में तहरीफ करके अपनी किताबों में कुरान और सुन्नत लिख दिया कुरान और अहले बैत की जगह। तो और तरफ बात चली जाएगी, ये मुफ्ती साहब ने जो कुछ बात की है इंशाल्लाह ताला इसका वबाल दुनिया में ये चखेंगे। इनको पता नहीं है इनका सौदा वाम में नहीं बिकना, ना तो ये बरेलवियत का मिजाज है नासबियत, देवबंद और अहले हदीस का मिजाज है नासबियत वाला, और उसकी वजह भी सऊदीया ईरान टसल है, पहले उनका भी नहीं था। मैंने कई बार बताया कि सबसे ज़्यादा नासबियत के खिलाफ अगर किसी ने काम किया तो अहले हदीस उलमा थे। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3748 नंबर हदीस है कि हज़रत हुसैन इब्ने अली का सर काट कर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सामने तश्त में ला के पेश किया गया। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह की लानत हो, तमाम फरिश्तों की लानत हो, तमाम लानत करने वालों की लानत हो जिन लोगों ने हुसैन इब्ने अली को इस तरीके से शहीद किया। ये सही बुखारी शरीफ है 3748 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, जिसमें इमाम बुखारी ने हुसैन के साथ अलैहिस्सलाम लिखा है, और आप लोगों के पेट में आज तक दर्द हो रही है। दारुस्सलाम वालों ने तहरीफ करके अलैहिस्सलाम काट दिया इसमें से, लेकिन सऊदीया का जो मकबा तो शामिल है उसमें मौजूद है, दारुल कुतुब अल इल्मिया का जो बैरूत का छपा हुआ है उसमें मौजूद है, और अहले हदीस की जो सबसे बड़ी साइट है हदीस की किताबों की sunnah.com उसमें मौजूद है, इस्लाम 360 में मौजूद है, और उसमें भी अरबी में अलैहिस्सलाम है, उर्दू में मौलवी ने रदी अल्लाह तआला ने किया हुआ है।